अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो सीन कुछ यूँ है कि हमारा आज का व्लॉग बड़ा मज़े का होने वाला है, बड़े बड़े मज़े के काम करने हैं इसके अंदर हमने। उनमें से एक काम तो ये है कि हमने अपना सोफ़ा बनवाना है, और उसका एक एक स्टेप जो मैं आपको इंशाल्लाह इस व्लॉग में दिखाऊंगा, क्योंकि हमने अपने सामने खड़े करके उनको बनवाना है सोफ़ा सारा। उसके बाद एक सबसे मज़े का काम ये था कि हमारे घर के आगे गड्ढा हुआ रहता था, मट्टी रहती थी। उसकी वजह ये थी कि यहाँ पे रोड नहीं बना हुआ था, मतलब वो देखें रोड भी बना स्टार्ट हो गया, पीछे लुक वगैरह गिरा दी है, और ये पीछे मेरे मशीनरी वगैरह पड़ी है। और बाकी आपको मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पे लुक वगैरह जो है ना वो भी गर्म शर्म हो रही है, उसको भी आपको दिखाऊंगा मैं साथ साथ, और बाकी मशीन का भी काम हो रहा है वो भी दिखाता हूँ। और ये यहाँ पर लुक वगैरह गर्म करके इसको बजरी वगैरह में डाल के मसाला सब बना के ये रोड पर फेंक रहे हैं, और फिर उसके बाद रोलर वगैरह चला के इसका रोड को सीधा करेंगे। और किसने लगाए हैं आपके साथ? अच्छा जी, अट्रैक्टिव कैसे होगा ये चॉकलेट से? बच्चों के लिए। अच्छा, बच्चों के लिए अट्रैक्टिव हो जाएगा ये। चलो ठीक है। और यहाँ पे हमने सोफे की तैयारी स्टार्ट करवा दी, और लकड़ी के फ्रेम बनवाई है, उसके पावे बनवा के अब इन पावों को खदा दिए, इसे शेप में लाया गया है, और इसके बाद इसके ऊपर पूरा फ्रेम सेट किया जाएगा। लेकिन उससे पहले इनको हम पॉलिश करेंगे ताकि बाद में मसला ना हो। ये भाई साहब हमने लगा दिए पॉलिश के लिए। यहाँ पे पॉलिश कंप्लीट होती है पावों की, और उसके साथ साथ ही हमारा थोड़ा सा छत का काम रहता था, साइमल्टेनियसली हमने वो भी पूरा कराया, और ये उसके बॉर्डर वगैरह लगवाने स्टार्ट किए। ये सर हमारे बॉर्डर लगा रहे हैं इसके, और ये माशाल्लाह बहुत ही प्यारा बन गया है सीलिंग का डिज़ाइन। और ये फाइनली ये रोड हल्की सी तैयार हो चुकी है, हमें आइडिया हो गया कि कैसी कारपेट रोड लगेगी, और उसके बाद इसके ऊपर हल्का हल्का रोलर भी चलाएंगे ये, ताकि बल्कि हल्का नहीं काफ़ी ज़्यादा चलाएंगे ताकि ये सेट सूट हो जाए। फाइनली इतना सब कुछ करके फिर मछली तो खानी थी, अब मछली छछली खा के मज़े में आएंगे। शायद बन गया।